यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतक के वार्ड नंबर 12 से पार्षद उम्मीदवार कृष्णा देवी ने भी तेज होते ही चुनाव प्रचार को समझकर वार्ड में तूफानी दौरे अब शुरू कर दिए हैं। नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वार्ड 12 से महिला उम्मीदवार कृष्णा देवी ने देव कॉलोनी का दौरा किया और अपने लिए वोट मांगे। मैंने कमल कॉलोनी का दौरा किया, सभी कमल कॉलोनी वाली लेडीज मेरे साथ हैं, पूरा सहयोग दे रही है, मेरे साथ गलियों में घूम रही है और इन्होंने अपनी समस्याएं बताई है। यहाँ पे ये प्लॉट पड़े हैं, इनमें कूड़ा करकट डाल देते हैं, इनको यहाँ पर रहने की परेशानी होती है और गलियों में सीवर और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जनता का कहना है कि इस वार्ड में सफाई और सीवर समस्या बड़ी समस्याओं में से एक है जिनका समाधान वो कराना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मिला जी, हम जगह जगह घूमे हैं, सभी बहनों ने हमको बोला है कि हम कृष्णा के साथ ही हैं। और सबसे बड़ी समस्या बताइए गली की, क्योंकि गली पहले ठीक थी, अभी लास्ट में उन्होंने बनी बनाई गलियों को फाड़ के और दोबारा ऊंचा नीचा करके सब मतलब खाने का चक्कर था, सब गड़बड़ कर दिया। ये पानी नहीं तो निकलता, सबको समस्या हो रही है इस वजह से। समर्थन बहुत ज्यादा है जी, आपस में खूब वोट भी है ज्यादातर और सभी साथ हैं और गली की ज्यादातर दिक्कत है, जिसका मकान ज्यादा उठ जाता वो ज्यादा ऊंची उठा ले है। पीने का पानी भी किसी टाइम नहीं आता, किसी टाइम आ। कृष्णा देवी जी बहुत मेहनती लेडी हैं, सारा वार्ड में लोकप्रिय हो चुकी हैं, इन्होंने घर घर जा कर के बहुत वो करा है। पिछले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये गलियां जो बनी हुई हैं ये सब अपने पैसे से बनाई हुई हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा, ना पानी अतर ना स्ट्रीट लाइट, सभी आप चेक कर सकते हो स्ट्रीट लाइट सभी खराब पड़ी हैं, पानी कभी 2 दिन नहीं आता, कभी 5 दिन नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं, बहुत बुरा हाल मचा रखा था। 16 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 19 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उससे पहले प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसे चुनना चाहती है। रोहतक से सूरज दोहन की रिपोर्ट।